सलमान, शाहरुख और ये आमिर खान से लेके और जितने हैं बड़े बड़े स्टार, अनिल कपूर और कौन कौन, सबकी नागरिकता विदेशों में है और वहाँ के बैंकों में इनके खाते हैं, कमाते हैं हमारे देश से और ले जाकर पैसा वहाँ जमा करते हैं। यही नहीं है, ये जितने हजारों हजारों करोड़ रुपए जो यहाँ से सेलिब्रिटीज हैं सबके इंटरनेशनल खाते हैं और कमाते यहाँ हैं और ले जाके वहाँ देते हैं, तो ये राजकुंद्रा भी उसी सिस्टम का हिस्सा है, तो ये पक्का भागेगा। राजकुंद्रा इतना बड़ा अपराध है कि राजकुंद्रा के साथ साथ इस तरह के घटना में अगर बड़े स्टार आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, पूरा बॉलीवुड को इस तरह से कर देना चाहिए कि घुटने पर उतर जाएं। यह एक सीन बनाने से पहले 20 बार सोचें। पांडे जी, जिस तरीके से राजकुंद्रा के वकील लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अपील कर रहे हैं, उसके बाद आज क्राइम ब्रांच ने भी साफ तौर पे कोर्ट में अपना जवाब दायर कर दिया है कि अगर राजकुंद्रा को जमानत मिली तो ये भी नीरव मोदी और चौकसी की तरह देश छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। अरे राजकुंद्रा ही क्यों यार, 90% जो बॉलीवुड वाले हैं हम मूर्ख लोग हैं कि इनकी फिल्में देखने जाते हैं, सबकी नागरिकता किसी न किसी देश में है। सलमान, शाहरुख और ये आमिर खान से लेके और जितने हैं बड़े बड़े स्टार, अनिल कपूर और कौन कौन, सबकी नागरिकता विदेशों में है और वहाँ के बैंकों में इनके खाते हैं, कमाते हैं हमारे देश से और ले जाकर पैसा वहाँ जमा करते हैं। यही नहीं है, ये जितने हजारों हजारों करोड़ रुपए जो यहाँ सेलिब्रिटीज हैं सबके इंटरनेशनल खाते हैं और कमाते यहाँ हैं और ले जाके वहाँ देते हैं, तो ये राजकुंद्रा भी उसी सिस्टम का हिस्सा है, तो ये पक्का भागेगा। लेकिन जब से राजकुंद्रा के से पूछताछ हो रही थी गिरफ्तारी से पहले भी, तब भी लगातार राजकुंद्रा सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अरे भैया क्यों वो मिटाएगा क्यों नहीं, वो कौन नहीं जानता है, पूरा बॉलीवुड जानता है, सब बॉलीवुड सब बनाते हैं। जब शाम को जब गांजा फूंक लेते हैं और जब अफीम चील पी लेते हैं तो क्या करते हैं, किसी अफीम इस जलिए ना इस हमारे यहाँ ये जितना ये है गाड़ियाँ लगी हुई हैं डेली बैटरी खुलती है, कौन निकालता है इसमें किए, जितना अपराध होता है इसमें पी लीजिए आप, किसी का कत्ल आराम से कर देंगे, तुमको इंटरनेशनल स्टार बना देंगे, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि तुम इस दुनिया के लौकिक दुनिया से बाहर निकलो और अपने आप को फ्री करो। उस समय वो समझाते हैं, वो जो नहीं है वो कौन वो आध्यात्मिक गुरु अमेरिका में जो डांस करते करते मैंने, हाँ वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ पूरा डिटेल, जिसमें फ्री होके मैंने पूरे कपड़े उतार के सारे पुनर्नारी सब अध्यात्म करते हैं, उस तरह का सोच पैदा करते हैं और खुद वहाँ टेबल पे पहले बोतल पड़ी होती है, सिगरेट पड़ा होता है, और समझिए यह कार्यक्रम होता है शाम को मेरे आवास पे आओ, तुमको कुछ पढ़ाना है, तुमको कुछ टेक्निकल नॉलेज देना है, तुमको कुछ ज्ञान देना है कि वास्तव में बॉलीवुड है क्या, बॉलीवुड अपने आप को इतना बड़ा किया तो उसके पीछे क्या क्या त्याग किया, क्या क्या किस किस तरह की बातें रहीं, अब उन तमाम हीरोइनों के बारे में बताया जाता है, यह तो इस तरह से आई तो मेरे साथ इस तरह से किया, धीरे 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 इसने ऐसा ऐसा बन गई। खैर हीरोइनें आज आके बता भी रही हैं कि हमारे साथ तमाम, मैं डेली सुनता पढ़ता हूँ कि हमारे साथ दो लोगों के साथ, हमारे साथ तीन लोगों के साथ, हमारे साथ चार लोगों के साथ इस तरह के बातें रखी गई। अरे बड़े बड़े नीना गुप्ता से लेके किसके कौन कौन हीरोइन नहीं कहती, कौन इससे गुजरी नहीं है, यह सच्चाई है। कई मॉडल्स ने भी ये बयान दिया है कि राजकुंद्रा ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसमें कहा था कि कोई भी अनकट सीन नहीं डाला जाएगा और कोई भी अंग नहीं दिखाया जाएगा महिलाओं का, लेकिन पूरी की पूरी वीडियोस अपलोड की गई। देख भाई कह तो रहा हूँ कि वो चीज़ मैं चूँकि ये वीडियो जाते हैं हम सब तमाम घरों में, इन शब्दों को नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहना भी ज़रूरी है कि हमारे बच्चे इस चकाचौंध में भूल के जो जाते हैं और इस दलदल में धंस जाते हैं, इसलिए कहना भी मजबूरी हो जाती है, नहीं तो यह शब्द हमारे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारी संस्कृति में यह नारी की पूजा होती है और हम देवी मानते हैं और उनके साथ वही बॉलीवुड और वह इस देश का हीरो कहलाता है, हीरो कहलाता है भाई साहब। ये राजकुंद्रा कौन सी पूजा का, अरे पूजा क्या यार, अब इनकी बीबी है ना पूजा, उसी की पूजा करते हैं, हाँ शिल्पा जो पूजा, वो ठीक है वो पूजा अलग नहीं है, उसी पूजा की बात मैं कर रहा हूँ,
जो पूजा होती है या वही जो फिल्म बना रहे हैं उसी की पूजा करते हैं, वही इनका पूजा है, वही इनका धर्म है, वही बेचेंगे भारत के अस्मिता को, इज्जत को, जब तक पूरी दुनिया में बेच नहीं देंगे, भारत के संस्कृति को तार तार नहीं कर देंगे, भारत की पहचान को बता देंगे कि यह एक तरह से, अब क्या कहूँ मैंने, अब क्या कहूँ। लेकिन जहाँ लेकिन बॉलीवुड में और भी कई प्लेटफॉर्म हैं, ओल्ड बालाजी है, उल्लू ऐप है, उनके भी तार इस पूरे मामले से जोड़े जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो लोगों के भी तार राज कुंद्रा से जुड़े हैं। इन पूरे मामले इनके जितने खर्चे हैं, बताइए खान को, करीना कपूर निजी फ्लाइट से अपना मार्केटिंग करने अमेरिका जाती है, ब्रिटेन जाती है, करीना कपूर निजी फ्लाइट से, वही हाल सारी हीरोइनों का है, इतने खर्चे कहाँ से आएंगे, समझ रहे हैं ना। यह जो खर्चा यह इस तरह का माहौल, इस तरह का खर्चीला माहौल बनाया जाता है और उसी लालच में उनसे कर्म कराया जाता है, उसी का यह परिणाम है जो आप कह रहे हैं ना, यह सब उसी का परिणाम है। पांडे जी, राज कुंद्रा पे कितनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए, एक आम नागरिक तौर पे क्या समझते हैं आप? राज कुंद्रा इतना बड़ा अपराध है कि राज कुंद्रा के साथ साथ इस तरह के घटना में अगर बड़े स्टार आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, पूरा बॉलीवुड को इस तरह से कर देना चाहिए कि घुटने पर उतर जाएं। यह एक सीन बनाने से पहले 20 बार सोचें, कोई भी देश विरोधी जितना काम होता है जिस तरह से यह बना देते हैं, और बनाएं तो अगर किसी धर्म पर बनाएं तो सभी धर्मों पर बनाएं, यह भी एक सवाल है, यह जाना चाहिए बीच में, जनता के बीच में, कि एक विशेष धर्म को बार बार जो टारगेट किया जाता है यह भी नहीं होना चाहिए। और यह पोर्नग्राफी जो हमारे संस्कृति को बर्बाद कर रही है, यह जो बच्चे देख रहे होंगे वो क्या समझेंगे, उनके अंदर क्या संस्कृति आएगी, क्या ज्ञान आएगा, क्या 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 सिखा रहे हो। और यह अगर दुनिया में जाता होगा तो दुनिया के लोग भारत के बारे में क्या सोचते होंगे, जो इतनी बड़ी सिविलाइज 5000 सालों की सभ्यता है जिसमें इतने सारे ज्ञान हैं, तो तुम क्या बता रहे हो, ये पैसा कमाने के लिए इतना स्तर गिर जाए, इतने नीचे चले जाओ। अगर हमारे देश के कानून में इसके खिलाफ व्यवस्था है तो महाराष्ट्र सरकार को और सख्त कानून बनाना चाहिए कि कोई दूसरा इस तरह की गलती नहीं करे। लेकिन राज कुंद्रा ही नहीं है, सब अटैची का कमाल है, जिसकी अटैची मुख्यमंत्री के वहाँ और माननीय मंत्री जी लोगों के वहाँ पहुँच रहा है, उसकी पोर्नोग्राफी चल रही है। और राज कुंद्रा में कहीं ना कहीं ठन गई होगी पैसा, चूँकि 200 करोड़ रुपए हर महीने कमाना है और वो पकड़ गया मामला, तो अब कहाँ से कमाएं, तो सबसे पैसे वाले कौन हैं, बॉलीवुड वाले, तो बॉलीवुड वालों पे जब शिकंजा कसा है तो उसी में चूँकि चल रहा है कोरोना, कुछ दिक्कत में तो हैं ये लोग, अब उसमें जो कह रहा है कि नहीं, जो होता है ना कमीशन की, इतना नहीं देंगे, इतना देंगे, इतना नहीं, यार बड़ी बड़ी कोरोना चल रहा है, बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, इतना ले लो, तो 200 करोड़ रुपया एडजस्ट करने में कहीं कम बेसी हो गया है जिसकी वजह से ये पकड़ा गया है। लेकिन सही ढंग से अगर जाँच किया जाए, जिस तरह से ईडी, सीबीआई और सुशांत सिंह राजपूत, दिशा साल्यान से लेकर जितनी घटनाएं हुई हैं, अगर बॉलीवुड सही ढंग से बॉलीवुड का जांच कर दिया जाए तो सारे लोग ड्रग में, बाकी लोग हत्या में, बाकी ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो होता है ये, इसमें 4-4 मिनट के सीन के लिए जो बिस्तर बदले जाते हैं कपड़े की तरह से, इन सब मामलों में सब के सब भाई साहब पूरा बॉलीवुड जेल में होगा। क्राइम ब्रांच ने पांडे जी एक बात दलील और भी दी है कोर्ट में और कहा है कि जिस तरीके का इनका व्यवहार है, ये एक बार भी इन्होंने कॉपरेट नहीं किया है, पंचनामे पे साइन नहीं किए, तो क्या लगता है कि राज कुंद्रा सरकार को और कानून को भी चुनौती दे रहे हैं? देगा कोई ना कोई तो मिला होगा, बाद में जब पकड़े जाते हैं तो सेटिंग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सेटिंग हो गई होगी, उसके बाद से वो क्यों समझेगा पुलिस को, पुलिस वहाँ क्या है यार, जब गृहमंत्री सीधे कह रहा है, जिस जहाँ का पुलिस कमिश्नर पकड़ा गया, पुलिस का मतलब क्या, वहाँ तो सेटिंग की बात है, सेटिंग जिसका बैठ गया वो चोर है, जो सेटिंग नहीं बैठा वो है, लेकिन हैं सब हमाम में, सब नंगे।